बत्ती देखना इस जगह से रैप रिमूव किया है भाई एक, और एक यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक लाइन वगैरह यहाँ। बत्ती देखना लगा अपने बिना हेलमेट के, तो देख सकते हो यहाँ से जो रैप है ना इस जगह से भी उखड़ने लग गया भाई इसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल स्वागत है आपका फिर से एक पहली सी वीडियो में। आज की वीडियो में भाई तुमको बताने वाला हूँ, आज जाने वाले हैं जो भाई के भाई पिछली बार अपने जो मॉडिफिकेशन वगैरह करवाई जिसने खराब करी, तो भाई आज की इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि उसको भाई ठीक करवाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से ना एक चीज़ एक मतलब कि अलग से लगने लग गया भाई बाइक के अंदर एक जगह पार्ट से, जब वो हटाया ना भाई मेरे टैंक के ऊपर से, क्योंकि कैमरे के अंदर ना जब टैंक अगर राइड करते हैं ना टैंक से ज़्यादा दिखता है, तो आज की वीडियो में हम वही टैंक को ठीक करवाने वाले हैं भाई, मतलब कि जहाँ से पहले करवाया था ना मतलब जितने कटा था उसका वापस कटने वाला है भाई। अभी पता नहीं किसने किया, अब देखो मैं तुमको इस मेरे पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं है भाई, अगर प्रूफ वगैरह मिल गया तो फिर तुम जानते हो क्या करने वाला हूँ मैं, बट प्रूफ वगैरह नहीं है तो भाई आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि भाई अभी अपन शांति से उस बाइक को उठाने वाले हैं, जाने वाले हैं, और बाइक का जो पार्ट खराब है उसको रिपेयर करवाने वाले हैं, उसको सही करवाने वाले हैं। जो गोल्डन सा था ना वो पहले गोल्डन सा वहाँ पे रैप होगा, उसके बाद बैटमैन वगैरह लगा, तो सीधा चलते उड़ाते हैं बाइक वगैरह को, निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई, जैसे तुमको बताया था पिछली बार मैंने रैप वगैरह करवाया था यहाँ पे, लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ से मेरा रैप वगैरह रिमूव कर दिया, इस जगह से रैप रिमूव किया है भाई एक, और एक यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक लाइन वगैरह यहाँ पे लग रही है, बट यहाँ पे ना इसी साइड में अपोजिट साइड में यहाँ पे भी मैंने ना यहाँ पे ब्लैक सेम टू सेम लाइन यहाँ पे बनवाई थी, बट क्योंकि ये है ना हैंड से कट होती है तो यहाँ पे मिसमैच करती, इस वजह से ना यहाँ पे मैच करने के लिए लाइन बनाई थी, तो यहाँ से ना ये लाइन और वहाँ से ना ये लाइन हटा दी, और यहाँ से ना मेरा बैटमैन बनवाया था भाई, ये सबसे कॉस्टली पड़ा था मतलब कि टैंक का, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत लगी थी भाई। तुम देख सकते हैं यहाँ पे कट्स वगैरह कितने वहाँ से लगे, यहाँ से कट कराया पहले रैप को, फिर यहाँ से कट कराया, फिर इस जगह से कट किया, फिर यहाँ पे बैटमैन लगाया, फिर बैटमैन को कट किया, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत लगी थी भाई, और किसी ने किया ना भाई, उड़ाया भी ऐसी जगह से जहाँ से मतलब कि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम था। तो भाई होगा ये कि आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई वापस इसको ठीक करवाने के लिए, और एक और जगह से ना इसका रैप उखड़ने लग गया भाई, पता नहीं क्यों, बट इस साइड से नहीं उखड़ा, इस साइड से नहीं उखड़ा और रैप इस दूसरी साइड से उखड़ने लग गया, और रैप तुमको एक जगह रुक के और दिखाता हूँ भाई, रैप वहाँ से उखड़ने लग गया। तो आज की वीडियो में हम यही करने जाने वाले हैं भाई, रैप को ठीक करवाने वाले हैं भाई, क्योंकि रैप अगर एक बार उखड़ने लग गया ना, इससे स्टार्टिंग में तुमको पता है मैंने उखड़ने लग गया, तो फिर यह ना पूरा उखड़ ही जाएगा भाई, मतलब कि पूरी तुमको पता है एक स्टिक ही तो होता है ये पन्नी से, अगर एक बार उखड़ा ना तो फिर ये पूरा उखड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई इसको सबसे पहले ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली रैप था भाई, तेरे को तुमको पहले बताया था मैंने मेरे वीडियोज़ के अंदर कि इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा पैसा लगा था भाई मेरा इस रैप। देख सकते हो यहाँ से जो रैप है ना इस जगह से भी उखड़ने लग गया भाई, इसको स्टिक करते थे ना पहले तो स्टिक हो जाता था, तो अब इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ से ना ये चीज़ यहाँ से उखड़ने लग गई, और यहाँ से ये टैंक, तो आज इसका यही जुगाड़ करने वाले हैं भाई, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है भाई चीज़ें सही कराना, अगर ये ठीक नहीं हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक बार रिमूव होने लग गया तो फिर ये मान लो कि ना ये पूरा रिमूव हो जाएगा। अब जो है पेट्रोल दो तीन दिन बंद है, और भाई बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं डलवाया, मैंने कल सोचा था कि पेट्रोल डलवा लूँ, बट कल डलवाने वाले पेट्रोल, तो अभी हमको ऐसे चलानी पड़ेगी भाई को, आराम आराम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल की दिक्कत है सबसे ज़्यादा। अब पता नहीं दो दिन तक पेट्रोल क्यों बंद है भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, पहले मेरे को पता नहीं था, बट आज जब बंद हुए ना जब पता लगा कि हाँ दो दिन तक पेट्रोल पंप बंद है, मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी बट मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था भाई, क्योंकि मैंने सोचा होता रहता है ये सब चीज़ों, क्या पता ये भी डिक्लाइन हो जाएगी ये भी ना हो, बट भाई ये तो हो गया, और अब दो दिन तक पेट्रोल पंप बंद है। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो बस यही निकलने वाली है कि इसको पेट्रोल पंप तक पहुँचाना पड़ेगा, और अभी अगर वो पेट्रोल पंप खुला भी होगा ना तो इतनी भीड़ होने वाली ना भाई उस पर बहुत गंदी, ट्राई तो करूँगा अगर कम भीड़ हुई ना तो इसमें पेट्रोल लगाऊंगा भाई सबसे पहले, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो भाई बाइक वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से भी अगर उस शॉप को देखे ना तो अप्रॉक्स पड़ती है वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ती है, और 5-6 किलोमीटर जाना 5-6 किलोमीटर आना मतलब कि 10-11-12 किलोमीटर तो मेरे को बाइक को चलाना ही चलाना है, तो 10-11 किलोमीटर का मतलब हाफ लीटर या 1 लीटर पेट्रोल होना चाहिए बाइक में, तभी जाके भाई ये चलेगी। तो ट्राई तो ये रहेगा, देखा अगर मिल जाए पेट्रोल खुला तो सबसे बेस्ट है, और नहीं मिला तो भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अपन आ चुके हैं भाई यहाँ पे मेन रोड पर, और अभी अपने डलवाया भाई 200 पेट्रोल भाई, एक पेट्रोल पंप खुला मिल गया था, तो एक लो अब 2 सिम आई है 200 के अंदर, और बाकी इसके अंदर पहले का भी था, तो 200 के अंदर 2 सिम आई है। मैं पिछली बार इसको टैंक फुल करवाया था भाई, इसका टैंक फुल हुआ था, कंपनी क्लेम करती भाई 13 लीटर की, यह ना अपने अंदर है ना 14 लीटर ले लेती है, पता नहीं अब कहाँ लेती है, 14 लीटर तक पेट्रोल इसके अंदर आ जाता है भाई, तो उस टाइम पे हुई थी ये, मतलब पहले पेट्रोल था 1 या 1.5 लीटर इसमें पहले पेट्रोल था, और ये उस टाइम हुई थी भाई 1400 रुपये की, मतलब 14,000 की फिल हुई थी भाई, तो अब तुम देख लो है ना 14,000 का पेट्रोल ले लिया इसके अंदर, और पहले का भी पेट्रोल था, तो मतलब 13-13.5 लीटर तक, मतलब 13 लीटर का टैंक है इसका, बट 13.5 लीटर 14 लीटर तक है ना, बट ये ले लेती है, तो 13.5 मतलब कि फुल भर जाती है पूरे यहाँ तक कवर तक भर जाती है, फिर उसके बाद चलती है मतलब मस्त चलती है, मतलब 300-350 किलोमीटर चलती है आराम से। देखो राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर है सब कुछ भाई, तुम कैसे राइड चला करते हो इस बाइक को, अगर तुम स्मूथ राइड करोगे ना तो ये बाइक नो डाउट बहुत अच्छा माइलेज देगी, मतलब नो डाउट इसके हिसाब से तो इसका 30 का माइलेज भी बहुत अच्छा है भाई इस बाइक के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा तुम इसे वो कर नहीं सकते कि भाई ये 40-50-60-70 का दिन लग जाए, तो इतना तुम कर नहीं सकते, ये तुमको एक कार के बराबर का दे देती है भाई, अगर तुम इसको रेकलेसली ड्राइव कर देना तो एक कार के बराबर का तुमको माइलेज दे देती है, तो इससे ज़्यादा तुम इसे वो भी नहीं कर सकते। और जैसे मैं चलाता हूँ इसको
80-90-100 इसको चलाता हूँ मैं, तो ये है ना, ये देती है अप्रॉक्स 20-25 का माइलेज देती है, तो इस तरह देगी भाई, मतलब कि मैं इसको 100 टच कर देता हूँ भाई, पता नहीं लगता मैं कब कब इसको 100 ले जाता हूँ, तो उस हिसाब से तो ये है ना, इतने का माइलेज देना चाहिए। और बाकी देखो राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, तुमको मैंने पहले बताया तुम जैसे राइड करोगे ये बाइक वैसा माइलेज देगी और वैसा ही राइडिंग एक्सपीरियंस देगी। तुम इसको 40-50 राइड करोगे ऐसे आराम से तो ये बिल्कुल अच्छा माइलेज देगी, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी थर्ड फोर्थ गियर में, जैसे मैं इसको राइड कर रहा हूँ तो ये अभी इस टाइम पर बहुत परफेक्ट माइलेज देगी भाई, 60-70-80 अगर आप आराम से चला रहे नॉर्मली, तो वही फ्यूल कंजप्शन होता है ना, उतना ही फ्यूल पंप कंजर्व करता है, इस वजह से ये अभी इस टाइम पर सही माइलेज दे रही है। और आगे मैं इसको भगाने पर आ जाऊँ, ऐसे थ्रॉटल पूरा मारने लग जाऊँ, तो है ना ये पूरा माइलेज का जो भी अभी आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा भाई। अभी हाल फिलहाल चुके अपन इस तरह की जगह पे, और तुमको बताऊंगा भाई जिससे पहले करवाया था ना मैंने बाइक का पूरा काम बाइक जोन से, वो भैया से भाई मैं वापस करवाने वाला हूँ भाई, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया मस्त आदमी है भाई वो, मतलब कि पिछली बार मैंने करवाया था तो मतलब कि सबसे पहले बाइक का काम कर दिया था इनने, तो आज भी मतलब कि जिनने पहले काम किया था उन्हीं के पास आया हूँ भाई, क्योंकि वही चीज़ को ठीक कर सकते, जैसे बैट मैंने उड़ा दिया यहाँ से इसको ठीक करवाऊंगा, पीछे का जो रैप है वो ठीक करवाऊंगा। और भाई यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि ये सब बाइक के साथ मत किया करो भाई तुम, भाई बहुत वो होता है भाई, तुमको क्या बताऊँ भाई, भाई फक यार ये दुकान ही बंद है आज यार, आज दुकान ही बंद है भाई, फक हो गया भाई यहाँ तो, अब क्या करा जाए भाई, वापस चलना पड़ रहा है क्योंकि भाई जिनकी शॉप से हमने करवाया था भाई वो भैया भी है ही नहीं यार, मतलब हम इतने दूर से आए वो वर्थ इट नहीं निकला भाई, वेस्ट हो गया भाई, उनके नंबर वगैरह भी नहीं थे, बट क्या ही कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते, वापस चल रहे हैं भाई, मतलब घर की साइड वापस जाएंगे अब, मैं ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनाएंगे आज की, मतलब कि पूरी कंप्लीट करेंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं यार, मेरे को नहीं पता था कि ये शॉप वगैरह बंद मिलेगी, बट ट्राई तो यही किया कि आज ये ठीक हो जाए, क्योंकि दो दिन हो गए इसको ख़राब करे हुए, कल का दिन और आज का दिन हो गया भाई, आज मैंने सोचा इसको पूरी जैसी थी ना इसको पूरी ठीक करा के इसको वॉश करवा के, जैसे बाइक तो वॉश है बाकी पहले से, बट मैंने सोचा था कि इसको पूरी ठीक करा के पूरी डन करा के फिर चलते हैं, बट फक हो गया भाई। ओए 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 बत्ती देखना, अरे कहाँ कहाँ से आते हैं सारे, बत्ती नहीं देख रहा। तो भाई हम जा रहे हैं हम वापस भाई फ्लैट को, क्योंकि भाई जिस काम की वजह से आए थे वो तो हुआ नहीं, फालतू जो भाई पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, दो नंबर से पेट्रोल डलवाया वो भी वेस्ट हुआ, उसका भी कोई मतलब निकला, क्योंकि भाई मैं तो सिर्फ उस वजह से गया था, वो काम हुआ नहीं, फिर बारिश आ गई भाई, पूरी बाइक तुमको बताया धोधा के ले गया था, फिर बारिश आ गई भाई, फिर बारिश की वजह से रुकना पड़ा, आज का दिन तो भाई पूरा वेस्ट हो गया, बट कोई ना एक ब्लॉग बन गया भाई, मतलब कि मैं ना मोस्टली जल्दी से निकलता नहीं है धूप के अंदर, क्योंकि भाई धूप बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि बहुत दिक्कत होती है भाई यहाँ पे निकलने में, क्योंकि सही बात बताऊँ ना तो ट्रैफिक इतना है भाई, परेशान हो जाए आदमी, इतना ट्रैफिक है, मन ही नहीं करता निकलने का, बट फिर भी मैंने सर ब्लॉग्स वगैरह बनाए भाई, अभी तुमको पता है रेगुलर ब्लॉग नहीं आ रहे भाई, अब एक दो दिन में फ्लैट का कुछ ना कुछ होने वाला है भाई, क्योंकि जितना हम ढूंढ रहे ना उसके हिसाब से फ्लैट का ना एक दो दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद भाई मेरे को तुमको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे भाई मेरे, अभी कुछ टाइम की बात है, और भाई साहब रेस लगा रहे अपने यहाँ बिना हेलमेट के, तो कुछ टाइम की बात है भाई, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे डेली रूटीन में ब्लॉग्स वगैरह आ रहे थे वो सब रेगुलर हो जाएंगे, बट कुछ टाइम का एडजस्टमेंट है, तुम कुछ टाइम का एडजस्टमेंट कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारे भाई का वायदा है, रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, रेगुलर वीडियोज आएगी, और एक नंबर कॉन्टेंट्स आएंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ ए टू जेड, जो भी पहले अपने वीडियोज आती है ना कॉन्टेंट, वैसे कॉन्टेंट अपना आने लग जाएगा। अभी लिए अपने फ्लैट के लिए टर्न, और भाई फ्लैट वगैरह भी आने वाला है, मैंने सोचा था भाई इसका काम हो जाए, बट कोई बात नहीं, ऐसे इतना गंदा नहीं लग रहा है यहाँ पे अगर ये चीज़ करानी रखी अपन ने, बट फिर भी भाई कोई बात नहीं, अब कराना पड़ा तो कराना पड़ा, अब कोई बात नहीं, बट भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई ये सब हरकतें मत किया करो, मतलब कि बाइक के साथ गला भी आओ, ठीक है भाई, किसी चीज़ से अपन प्यार करते हैं वही एक चीज़ है मेरे लिए आर एस, इस चीज़ से बहुत प्यार करता हूँ भाई, तुमको एक क्लियरली नोट पे समझा दूँ, इसके साथ कोई भी मजाक मत किया करो, तुमको दिखे तुमको फोटो खिंचानी है तुमको वीडियो बनानी है कुछ भी करना है, बट गंदी हरकत करते मत दिखाना, फोटो खिंचाने के लिए मैं अगर कोई मांगता है ना मैं खुद उतर के साइड में खड़ा जाता हूँ कि भाई तुम फोटो खिंचा लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 मिनट खिंचाओ 5 मिनट खिलाओ आधा घंटा खिंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है फोटोज़ के लिए भाई, कोई मना नहीं है फोटोज़ के लिए, बट ये गंदी हरकत मत किया करो भाई के साथ, तुमने अभी इस टाइम पर करी ना ये मतलब क्या मत किया करो, कि तुमको बता दिया भाई कि ये मेरे लिए एक बाइक नहीं है भाई, इमोशंस है, तो तुम थोड़ा समझ जाओ इस चीज़ से कि क्या चीज़ क्या फील करता हूँ इस बाइक के लिए भाई, तुमको वीडियो वगैरह होगी भाई अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं कोई ऐसी प्यारी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो।